A very good morning, dear students. Today we will do chapter 13, The Universe, checkpoint 1 and checkpoint 2. Let's do the first checkpoint. Answer in the word, it is on the page number 139. The first checkpoint is, it is the center of the solar system. क्या चीज सेंटर है सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है दैट इज सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और जो नेचुरल सैटेलाइट जो अर्थ का है दैट इज मून वो क्या है मून और द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई सबसे ब्राइटेस्ट सब्जेक्ट है एंड द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट एक मून ही है जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और ये रोटेट करता है अपने एक्सिस पे और साथ ही साथ ये रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ तो इसका जो नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ का दैट इज मून नेक्स्ट थर्ड इज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच फॉर्म शेडोज कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जो शेडो छाया मतलब जो परछाई देते हैं दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट हमेशा जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट है वो शेडो देते हैं नेक्स्ट अ फिनोमिना व्हेन वन सेलेस्टियल बॉडी ब्लॉक्स द लाइट ऑफ अनदर जब ऐसा फिनोमिना जब कोई भी सेलेस्टियल बॉडी किसी भी लाइट को ब्लॉक करती है तो उसे क्या कहते हैं एक्लिप्स यानी कि ग्रहण अ फिनोमिना व्हेन वन सेलेस्टियल बॉडी ब्लॉक्स द लाइट ऑफ अदर जैसे हमने सोलर और एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स में पढ़ा था सेम वैसे ही इसे हम क्या कहेंगे ये कौन सा फिनोमिना है एक्लिप्स चाहे वो सोलर हो चाहे वो ल्यूनर हो नेक्स्ट द फिफ्थ है द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ऑन द अर्थ ये मैंने आपको बताया था जो रेगुलर राइज है और फॉल है ओशन में उन्हें हम टाइड्स कहते हैं क्या बोलते हैं टाइड्स द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड टाइड्स नेक्स्ट हमारे जो हम चेक पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज चेक पॉइंट टू इट इज ऑन द पेज नंबर 141 द फर्स्ट जो है द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च हुआ था आपको ध्यान है जब हमने चैप्टर की रीडिंग कराई थी दैट इज स्पुटनिक 1 दैट इज स्पुटनिक 1 नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था वो कौन सा था आर्यभट्ट कौन सा था आर्यभट्ट नेक्स्ट फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस पहला पर्सन जो स्पेस में गया था उसका नाम क्या था यूरी गैगरिन क्या नाम था यूरी गैगरिन नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन पर्सन जो इंडिया का पर्सन था टू गो इनटू स्पेस वो कौन थे राकेश शर्मा वो कौन थे राकेश शर्मा क्लियर स्टूडेंट्स ये चेक पॉइंट 1 और 2 आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं लर्न करने हैं और जो आपको मैंने ये ऑलरेडी साइंस वोकैबुलरी में भी मैं आपको वीडियो सेंड कर चुकी थी सभी चीजें मैंने ये साइंस वोकैबुलरी की आपको करा दी थी बट आज का आपका टास्क रहेगा चेक पॉइंट 1 और 2 आपको अच्छे से लर्न करने हैं ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच टेक केयर